अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गर्ल्स? ठीक है आप सब? ये देखिए, मैं आपके साथ वैक्स की वीडियो शेयर करने लगी हूँ। ठीक है, वैक्स तो बहुत ज़्यादा मार्केट में है किसमें, ठीक है, लेकिन बेस्ट कौन सी होती है? मैं सिर्फ आपको एक दो वो बताऊंगी जो आप रखें और आपका सारा काम आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ली सारी हुई है, लेकिन जैसे जैसे मुझे रिजल्ट का पता चला तो जो बेस्ट होगी वो मैं आपको बता दूंगी और सारा सामान भी बता दूंगी कि कैसे करते हैं और क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे बहुत ज़्यादा घरों में जो यूज़ की जाती है लुबनाज वैक्स, वंडर वैक्स, ठीक है, चीनी वाली, ये जो लिक्विड सा होता है ये नज़र भी आ रही है, और फिंगर वैक्स, ठीक है, छोटे पॉलरों में और ये घरों में, और ये भी घरों में, और ये वाली भी घरों में ज़्यादा यूज़ की जाती है। ठीक है, ये चीनी वाली वैक्स कहते हैं, शुगर वैक्स कहते हैं इसको। और इसी तरह इसी में कैटेगरी जब थोड़ी अच्छी वाली लेते हैं तो फ्रूट वैक्स में आ जाती है, जैसे ये फ्रूट वैक्स है, ठीक है, एलोवेरा की सॉफ्ट शाइन, ठीक है, क्रीमी सॉफ्ट वैक्स, इन सबको गर्म करके यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये फिंगर वैक्स जो है ना, जो नॉर्मल मौसम हो तो वैसे भी यूज़ हो जाती है फिंगर के साथ, बाकी सबको गर्म करके, मतलब थोड़ा लिक्विड नॉर्मल करके ही यूज़ किया जाता है। ये भी फ्रूट वैक्स है, ठीक है, ये वाली इस डब्बे से निकाली है, इस पैकिंग की है मिल्की वैक्स, ठीक है, ये सब स्ट्रिप के साथ यूज़ होती है। तो इसमें मुझे जो सबसे रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है ना, इसकी डबल एप्लीकेशन कई दफ़ा हमें करनी पड़ जाती है, ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा गर्मी में बाल नहीं निकालती एक दफ़ा में, लेकिन ये जो है ये एक दफ़ा में बाल निकाल देती है, ज़्यादा अच्छे वाली जो फ्रूट वैक्स होती है। ठीक है, और ये वाली भी इसी में आती है कि ये भी कई दफ़ा हमें डबल एप्लीकेशन करनी पड़ जाती है। और जो चीनी वाली वैक्स है ना, शुगर वैक्स, ज़्यादा सर्दी में, जैसे कि लाहौर की सर्दी पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो उसमें तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी करनी, तो मैंने तो कुछ दिन जो है ना इसको नहीं यूज़ किया ज़्यादा सर्दी वाले दिन में, जैसे कि ये दिसंबर और जनवरी का महीना है, तो जो है ना फिर मैंने रिका वैक्स ही यूज़ किया, उसका रिजल्ट बेस्ट होता है। ठीक है, जिस तरह अब हमारी आगे वैक्स आ जाती है, ये देखें इस तरह हार्ड वैक्स, ठीक है, हार्ड वैक्स इस तरह, ठीक है, हार्ड वैक्स है ये, हार्ड वैक्स भी कहते हैं, और ये देखो बीन वैक्स, रिका वैक्स, बीन वैक्स, ये इस तरह कैटेगरी होती है। लेकिन ये क्या है, ये देखो इस तरह, ये क्या है कि ये सिर्फ हमारे जो छोटे छोटे लुई होती है ना उन बालों को निकालती है, इनको भी गर्म करके हीटर में यूज़ किया जाता है। ठीक है, लिक्विड सा बन जाता है इसका, तो जो है ना इसको फिर छोटे छोटे पैच लगा के बगैर पट्टी के इसको यूज़ किया जाता है, इसको भी और इसको भी और इसको भी। लेकिन ये क्या कि हल्के हल्के बाल जो रुई होती है ना, सिर्फ नॉर्मल रुई होती है, उसको निकालने के लिए सही है, हार्ड बाल, मोटा बाल नहीं निकलता, और थोड़ी सी जो है ना स्किन को ना थोड़ी सी, मतलब कि जो सेंसिटिव स्किन होती है थोड़ी रेड भी हो जाती है इनके साथ। और ये देखिए, ये हमारी जो है ना, ये भी पट्टी के बगैर है, रिका वैक्स, नॉन स्ट्रिप वैक्स, रिका वैक्स, ठीक है, इसके भी जो है ना पैच, इसको भी गर्म करके, ठीक है, क्रीमी सी बन जाती है, क्रीम सी बन जाती है, तो हम इसके छोटे छोटे पैच लगाते हैं फेस पे और बाल निकालते हैं, लेकिन ये जो है ना मोटा बाल भी निकाल देती है एक एप्लीकेशन में, और अगर कहीं से ना निकले तो हमें डबल एप्लीकेशन भी करनी पड़ जाती है, ये छोटे छोटे इतने इतने पैच लगा के ना तो खींच जाती है, खासतौर पर अपर लिप्स, पूरा पूरा फेस और अंडर वैक्स वगैरह। ठीक है, तो ये बहुत बेस्ट वैक्स है, ठीक है, अच्छी वैक्स है, लेकिन तकलीफ इससे भी होती है, लेकिन इनको यूज़ करने से पहले, जैसे कि हम चीनी की वैक्स यूज़ करते हैं, तो हमें पहले पाउडर वगैरह स्किन को क्लीन करके, पाउडर ड्राई स्किन हो, ठीक है, साफ स्किन हो, मतलब कि पानी शानी ना लगा हो, तो शुगर वैक्स को पाउडर लगा के एप्लीकेशन करके पट्टी लगा के फिर जो है ना अपोजिट खींचना होता है, इस तरह हमने इसका यूज़ करना होता है। लेकिन ये जो रिका वैक्स होती है ना, चाहे वो जितनी भी ये पड़ी है ना हार्ड वैक्सीज, ये जो जितनी भी, ये रिका वैक्स, ठीक है, ये भी, तो ये जो है ना, ये देखें, ये पूरा लिक्विड सा है इसका, ये स्ट्रिप के साथ है और ये स्ट्रिप के बगैर है, ये दोनों ही रिका वैक्स हैं, लेपोसोलिबल वैक्स जिसे कहते हैं, यानी कि ब्रेजिलियन वैक्स भी इसको कहते हैं, ये देखिए लिखा हुआ इधर, ठीक है। तो ये जो है ना, इनको पहले हमें स्किन को, जो फेस है तो हमने उसकी जो है ना क्लिनजिंग करनी होगी, और इस इनके ना पहले यूज़ करने वाले भी आते हैं, ठीक है, पहले इसको वैक्स करने से पहले जो ऑयल यूज़ होता है वो भी आते हैं, और इनको बाद में वैक्स करके साफ़ करने के लिए भी जो ऑयल आते हैं, तो फिर जो है ना उनसे साफ़ होती है, इससे पानी से साफ़ नहीं होती फेस से, ये दोनों जो है, चाहे वो पट्टी वाली हो चाहे वो पट्टी के बगैर हो, ये सारी वैक्स, ठीक है, ये हमें जो है ना करने से पहले स्किन को साफ़ करेंगे, हम क्लिनजिंग करेंगे, या फिर हल्का सा जो है ना मॉइस्चराइजर या ऑयल वगैरह स्किन पे हल्का सा लगा लेंगे, ज़्यादा सख्त सर्दी में, गर्मी में कुछ भी नहीं होगा, गर्मी में लगाना चाहें तो हम पाउडर लगाएंगे, ठीक है, फेस पे भी पाउडर क्लिंजिंग वगैरह करके पाउडर लगा के इसको जो पट्टी के साथ है, तो हम उसको छोटे छोटे छोटी छोटी पट्टियाँ काट के, ठीक है, पट्टियाँ भी मैं आपको दिखा दूँगी फेस के लिए, छोटी छोटी पट्टियाँ काट के छोटे छोटे पोर्शन फेस पे लेके, तो हमें इसको जो ना हीटर में गर्म करके नॉर्मल चेक करके फिर हमें करना होता है, ये एक ही बारी में सारे बाल निकाल देती है, बहुत कम होता है कि बहुत मोटा बाल जो है ना रह जाए फेस पे थोड़ी वगैरह पे, तो फिर वहाँ पे हमने छोटा सा पैच लेके एक एप्लीकेशन कर देनी होती है, लेकिन इन वैक्सीज की बार बार रिका वैक्स की एप्लीकेशन नहीं करनी होती, वरना सेंसिटिव स्किन जो है ना वहाँ से जो है ना स्किन भी साथ आ सकती है, स्किन भी निकल सकती है, इसलिए हमें बार बार डराया जाता है कि ये स्किन को पील कर देती है, ज़्यादा गर्म नहीं लगानी और ज़्यादा जो बार बार नहीं लगानी, ठीक है, और इस डब्बे में ही इसको गर्म नहीं करना, मैं आपको वैक्स दिखाती हूँ, वैक्स हीटर, उसमें हमें जितनी ज़रूरत है उसमें हमें निकालना है और उसी में हमें यूज़ करना है, ठीक है, कोशिश करें कि वो पहले वाली जो वैक्स है उसको निकाल के हीटर को साफ़ करके दोबारा से जो नया कस्टमर आए उसके लिए नई वैक्स डालें, ठीक है, और वो जो बची हुई वैक्स है उसको वापस भी नहीं डालना, ठीक है, सफाई का जो है ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि अक्सर जो है ना छोटा मोटा दाना वगैरह जो होता है कस्टमर के, तो उसका जो ब्लड वगैरह है वो भी हमारी चीज़ों के साथ लग जाता है और वो दूसरे बंदे के लग सकता है और बीमारी फैला सकते हैं, तो हमें सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। ये हमारी होगी स्ट्रिप के बगैर वैक्स, सबसे बेस्ट रिका वैक्स फेस के लिए, बॉडी के लिए, लेकिन ये हम फुल बॉडी पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्लो काम है, छोटे छोटे पैच लगा के तो हम इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकते, ठीक है, ये हम बहुत जो है ना ज़्यादातर फेस पे ही यूज़ हो जाती है, ठीक है।
अंडर अंडर आर्म वगैरह, और ये जो है ना हमारी ये फुल बॉडी पे हम कर सकते हैं, और ये हमारी टैन को भी रिमूव करती है, ठीक है, हमारी स्किन को वाइट करती है, क्लियर करती है, और डेड स्किन भी साथ रिमूव होती है, और बाल जो ऐसा ऐसा खत्म हो जाते हैं हमारी स्किन से जो है ना, जिस तरह के लेज़र से हम करवाते रहे तो लेज़र मुकम्मल खत्म कर देता है, ये हमारे कम करते 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 काफ़ी साल जब गुजर जाते हैं तो काफ़ी बाल ज़्यादा कम स्किन से हो जाते हैं। ये शुगर वैक्स से भी ज़्यादा बेस्ट वर्क करती है, ठीक है। और ये इंटीमो की है यहाँ पे, ठीक है, इंटीमो इनकी मुख्तलिफ कंपनियाँ हैं, ठीक है। रिका मतलब कि आई थी कंपनी बाहर की, तो रिका इसलिए इसका नाम रिका, मतलब इसको रिका के नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं, ठीक है। लेपोसोलिबल वैक्स लिखा होता है इनके ऊपर, लेपोसोलिबल वैक्स इसका वैसे मतलब कि जो किस्म है ना इसकी वो है, ठीक है। और इसके फ्लेवर भी स्किन के हिसाब से मुख्तलिफ है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट वैक्स है रिका वैक्स, चाहे वो कंपनी कोई भी हो, पट्टी के साथ और पट्टी के बगैर, लेकिन जो ये ज़्यादा सेंसिटिव स्किन पे करने के लिए हमें इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, और जो है ना बाद में हमें ऑयल स्किन को लगा के, जैसे कि पहले मैंने आपको बोला क्लिंजिंग करनी है, पाउडर वगैरह लगाना है, फिर इसको करना है, और उसके बाद जो छोटे छोटे अगर जरे रह जाते हैं फेस पे बॉडी पे, तो हमें ऑयल लगा के और ड्राई वाइप्स के साथ उसको साफ करना होता है, मसाज से समझे कि ऑयल का मसाज एक किस्म का हो जाता है, और उसके बाद हमें जो है ना मास्क वगैरह फेस पे अप्लाई करना होता है, ठीक है। फेस पूरे पे अगर कोई ब्राइड वगैरह हो और आपको पे कर रही हो तो आप बॉडी पे भी फुल पे मास्क लगा सकते हैं, वरना जो एलोवेरा जेल है ना वो पूरी बॉडी पे लगा दें, ठीक है। हल्का सा जैसे मसाज होता है ना, मसाज हल्का सा कर दें, या सूदिंग लोशन का मसाज कर दें, ठीक है। ये बेस्ट वैक्स होगी, ये होगी, और उसके बाद ये वैक्स होगी, ठीक है। सॉफ्ट शाइन हो या कोई भी कंपनी हो, अच्छी वैक्स जो होती है ना, फ्रूट वैक्स, शुगर में फ्लेवर वैक्स इसे कहते हैं, फ्रूट वैक्स, वो जो है ना बेस्ट वर्क करती है। और जितनी भी ये शुगर आम वैक्सेस होती हैं ये ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी में हमें तंग करती हैं, और एक एप्लीकेशन में हमारा काम कंप्लीट नहीं होता, हमें बार बार जो है ना एप्लीकेशन करनी पड़ती है फिर, ठीक है। और ये जो है ना, ये भी हमारे छोटी रुई वगैरह को निकालने के लिए यूज़ होते हैं, मतलब किसका भी इतना इस्तेमाल नहीं है। अगर किसी का पार्लर है और बहुत ज़्यादा वैक्स नहीं लेना चाहते, एक शुगर वैक्स रख लें, और उसके बाद जो है ना फ्लेवर वैक्स रख ले अच्छे वाली कंपनी की, सॉफ्ट शाइन हो या कोई भी हो, ठीक है। और उसके अलावा रिका वैक्स एक रख ले, कोई भी कंपनी हो, ठीक है। और एक जो है ना रखनी है तो नॉन स्ट्रिप, क्योंकि कस्टमर आ सकता है, ठीक है, नॉन स्ट्रिप वैक्स रख ले एक रिका का छोटा डब्बा, ठीक है। और उसके अलावा गर्मियों में हमारा जो ये वाला है ना रोल ऑन वैक्स हीटर है, ठीक है, ये रोल ऑन वैक्स हीटर है, ये देखिए इस तरह इसको गर्म करना होता है, इसके साथ तार दी है, तो इसके अलग मैं वीडियो आपको बना दूंगी, ठीक है। सेम प्रोसेस वही रहेगा, इसमें रिका वैक्स भी डाल के यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर फिलर है जब वो खत्म होती है तो, ठीक है। इस मशीन को लगा के आधा घंटा छोड़ना होता है, गर्म हो तो इसको जो है ना पाउडर लगा के स्किन के साथ सेम उसी तरीके से यूज़ करना है, जो भी वैक्स यूज़ करेंगे रिका या, ठीक है, मेथड वही रहेगा। और ये बहुत ज़्यादा गर्मियों में जो है ना, सर्दी में बिल्कुल भी ये वर्क नहीं किया इसने, नवंबर से लेके अब तक या आगे जाके फरवरी तक ये काम नहीं करेगी, बाकी महीनों में ये सारा काम करेगी, क्योंकि मौसम लाहौर में बहुत ज़्यादा ठंड है, ठंड के इलाकों में ये ज़्यादा वर्क नहीं करेगी सर्दियों में, बाकी ये काफ़ी बेस्ट अच्छी है। और रिका वैक्स जब भी ये खत्म होगी, इसके अंदर ये वाला जो फिलर है ना, जब ये खत्म होगी तो हम दोबारा इसका ढक्कन उतार के और इसको फिल कर लेते हैं गर्म करके वैक्स डाल के ना पूरी, तो ये काफ़ी ज़्यादा लोगों पर फुल बॉडी पर 3-4 दफ़ा यूज़ हो जाता है, और ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है, और घर में भी यूज़ कर सकती हैं लड़कियाँ, लेकिन ज़्यादा सर्दी के 3-4 महीनों में ये वर्क नहीं करता, ठीक है, मैं आपसे साफ बात करूँगी। और हमें जब हमें वैक्स करनी होती है तो हमें चीज़ें क्या क्या चाहिए होती हैं, पार्ट 2 जो है ना, पार्ट 2 मैं उसमें बताऊंगी, ठीक है। मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।